क्या नाम है? अनमोल। ये माता रानी का दर्शन आप लोग कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो दोस्तों? आई होप आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको लेकर चलता हूँ रमदैया मंदिर, और देखेंगे दोस्तों माँ रमदैया मंदिर का नज़ारा कैसा है। और दोस्तों, यह स्थान कोरिया जिला के बैकुंठपुर से तकरीबन 5 से 6 किलोमीटर की दूरी पर है। तो आज माँ रमदैया मंदिर का जो कैंपस है उसको पूरा मैं एक्सप्लोर करने वाला हूँ। तो चलिए फिर चलते हैं, आप लोग मेरे साथ वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। इस वीडियो में आप सभी को बहुत ही आनंद आने वाला है। तो चलिए फिर चलते हैं माँ रमदैया मंदिर। और ये बैकुंठपुर का गेट नदी का पुल है, बहुत पुराना पुल है और अभी तक ठीक ठाक है। ये बैकुंठपुर का नया बस स्टैंड। भाई लोग, माँ रमदैया मंदिर कहाँ है? अच्छा, इसी सड़क में जाऊँ सीधा? चाचा, माँ रमदैया मंदिर कहाँ है? इसी में। तो फाइनली दोस्तों, मैं माँ रमदैया धाम बैकुंठपुर में पहुँच चुका हूँ। आप लोग देख सकते हैं ये मेन गेट है। अभी हम लोग आगे चलेंगे और देखेंगे यहाँ का नज़ारा कैसा है। और इधर नदी आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, ये झुमका बांध से आ रही है। तो दोस्तों, मैं अभी बैकुंठपुर से तकरीबन 5 किलोमीटर की दूरी पर माँ रमदैया धाम में पहुँच चुका हूँ। और दोस्तों, अभी मैं आप लोगों को माता रानी का दर्शन कराने वाला हूँ और देखेंगे अंदर का नज़ारा कैसे है। तो आप लोग मेरे पीछे देख सकते हैं, ये दोस्तों माँ रमदैया मंदिर का मेन गेट है, यहाँ से अभी हम लोग प्रवेश करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, मैं अभी आप लोग को आगे का जो है कि व्यू दिखाता हूँ। दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं माँ रमदैया मंदिर का कैंपस कुछ इस प्रकार से है। और यहाँ की खास बात दोस्तों ये है कि मंदिर के बगल में ही आप लोग देख सकते हैं कि ये नदी है, और इसी के चलते ये जो मंदिर है और माँ रमदैया के चलते ये जो मंदिर है बहुत फेमस मंदिर है बैकुंठपुर क्षेत्र का। चलिए दोस्तों, अब मैं आप लोगों को माता रानी का दर्शन कराता हूँ जिसके लिए ये मंदिर प्रसिद्ध है। तो चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। देख सकते हैं आप लोग, नदी के पूरा बीच में है और पानी अभी इसमें चल रहा है। तो अभी मैं यहाँ से जा रहा हूँ धीरे धीरे, और पैर वैर फिसला तो नीचे गिर जाऊंगा और भीग जाऊंगा पूरा। तो देख सकते हैं दोस्तों, ये माता रानी का दर्शन आप लोग कर सकते हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पर पूजा कर लेता हूँ, इसके बाद आगे का आप लोग को नज़ारा दिखाता हूँ। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि माता रानी का जो यहाँ पर आसन है, जहाँ पर माता रानी विराजमान है, तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों ये नदी है। और नदी में अभी बरसात के कारण अभी फुल पानी चल रहा है। तो यहाँ पर जो भी श्रद्धालुगण आते हैं पूजा करने के लिए तो इधर से आते हैं। तुम लोग को डर नहीं लगता पानी से? डर नहीं लगता? गिर गए तो? गिर गए तो? यहीं के हो तुम लोग? कहाँ से आए हो? अच्छा, ये बाबू लोग क्या कर रहे तुम लोग? क्या नाम है तुम लोग का? क्या नाम है? अनमोल। तुम्हारा क्या नाम है? अच्छा, क्या करने हैं हमें यहाँ? पूजा करने? अच्छा, चलो कोई बात नहीं।
तो ठीक है दोस्तों, मैंने माता रानी का दर्शन कर लिया है और आशा करता हूँ कि आप लोगों ने भी किया होगा। और मैं माता रानी से बस यही प्रार्थना करता हूँ कि आप लोगों का भी मनोकामना पूर्ण करें। तो ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। तो मेरे चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बेल आइकन का बटन उसे भी प्रेस करके आल पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे मेरी आने वाली जो भी वीडियो रहेंगी उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।